इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ का प्रश्न, बाबा का उत्तर। प्रश्न क्या है? जिनका सब गुणगान करते हैं, आप राम राम करते हैं, वो राम जी कौन है? अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और? दो शब्द के अक्षर क्या कहें, सम्मिश्रण है तो शब्द ही हुआ, ही और भी है, शब्द ही हुआ। जब व्यंजन में स्वर मिल गया तो शब्द बन गया। ही और भी, ये दोनों एक तो निकट लाता है और एक दूर ले जाता है। कौन निकट लाता है? ही। अरे भाई, सुना है वहां कथा है विश्वनाथ जी के यहां, कौन करेगा? मैं ही। और दूसरा क्या भैया? मैं भी। मैंने कोई और करेगा, उसमें मैं भी ही रहूंगा, भी। अरे भाई, गंगा जी का हम मेला लगा था, आप गए थे? हाँ। ओ, मैं ही तो आयोजन कराया था। और फलां वो भी थे, मैं ही हूं, वो भी थे। भी और ही जहां है वहां नैकट्य देता है, और जहां भी लग गया वहां दूरस्थ बना देता है। भगवान के किसी भी कार्य में ही बन के रह जाए, भी बन के नहीं। लेकिन ही बनना सरल नहीं है, एक चौपाई है। राम ही, प्रेम प्यारा ही, राम ही। केवल राम जी ऐसे परमात्मा हैं जिनको केवल और केवल प्रेम प्रिय है। जान लो, भगवान को और कुछ नहीं प्रिय है, केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम ही पकड़ता है सब, जगत के व्यवहार में भी प्रेम ही प्रिय है। मां ने एक प्रश्न किया, राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति कोई। भगवान भूत भावन को यह प्रश्नावली थोड़ी अच्छी नहीं लगी। इस प्रश्न पर बाबा थोड़े अटपटे हो गए। तुम जो कहा राम को आना, जे ही श्रुति धरहि मुनि ध्यान। अब देखिए, जो अभी कुछ मिनट पहले हमने आपको संदेश दिया, ठीक उसी मूड में बाबा भी आ गए। अब ये बड़ा अच्छा खासा चल रहा था, बड़ी प्रशंसा की बाबा ने मां की। अब क्या उत्तर आया सुनिए। देवी कहीं सुनहीं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसा, पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहिं झूठ। शिव बाबा रुके नहीं, बोलते ही गए, बोलते लंबी सूची, आठ पंक्ति इसी में डाल दी बाबा ने। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुल मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं, कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन
अरुनयन बिहीना राम रूप देखहि किम दीना जिनके अगुणन सगुण विवेका जल पहि कल्पित बचन अनेका हरि माया बस जगत ब्रह्माहि तिन्हि कहत कछु अघटित नाही बातुल बहुत विवस मत वारे ते नहीं बोलहि बचन विचारे जिन कृत महामोह मद पाना तिन कर कहा करिए नहीं काना। राम जी कोई और हैं ऐसा अधम व्यक्ति कहता है। राम जी कौन है? एक है राम, है राम एक है। जो साकेताधिपति राम हैं वही राम अयोध्याधिपति हो गए। राम परिवर्तित नहीं होते। व्यक्ति एक ही है, वही पिता है, वही पुत्र है, वही चाचा है, वही मामा है, वही जीजा है, वही फूफा है, वही साला है, वही भांजा है। व्यक्ति एक है, अनेक रूप रूपा है, विष्णु में प्रभु विष्णु में नहीं है। व्यक्ति एक है अर्थात भगवान एक है। अब वही एक भगवान भगत प्रेम बस नाना रूपों में आ जाते। तब तब प्रभु धरी विविध शरीर। अब कोई कहे नरसिंह भगवान अलग, राम भगवान अलग, परशुराम भगवान अलग, अलग नहीं, एक है। यहां निष्ठा रखना होगा। कई लोग कहते हैं कृष्ण भगवान बहुत अच्छे हैं क्योंकि जल्दी रिश्ते हैं, राम भगवान बड़े कठोर हैं। ऐसा नहीं है, भगवान सब एक है। जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है। ऐक्य आपको किससे अनुराग है आप तय कर लो। देखो आप सबसे सबका मन नहीं मिलता, और किसी से मन मिलता है तो हृदय नहीं मिलता। किसी से दोनों मिल जाए सोने में सुगंध है। अब दोनों मिलने के लिए शर्त नहीं होती। ऐसा ऐसा होगा ना तो हमारा मन मिलेगा, हृदय मिलेगा, मिले न मिले मिले। उसी प्रकार किस भगवान में हमारी रुचि होगी, गति होगी, हमको प्रेम होगा, ये थोड़ा कठिन विषय है, थोड़ा कठिन है। किस भगवान में हमारी अनुरक्ति है, जिस प्रभु में मेरा प्रेम है वही हमारा इष्ट है। हमारा इष्ट हम ही तय करेंगे, गांव तय नहीं करेगा, मोहल्ला तय नहीं करेगा, घर वाले तय नहीं करेंगे। जैसे हमारी रुचि हम तय करते हैं, हमारी प्रिय वस्तु हम तय करते हैं। ठीक है, जिसको जो प्रिय होता है वो दूसरे को नहीं देता है। जैसे मैं पोथी जी किसी और को नहीं देता, अपने साथ रखता। भाई जी बोले रख दे, क्यों रख दीजिए साहब, हम अपने साथ रखेंगे। ये कोई ब्यास जी का हारमोनियम थोड़े, चाहे जो उठा ले जाए, नौकर ले जाए, सेवक ले जाए, हम ले जाएंगे। क्योंकि मेरी रुचि है साहब, मेरा सेवा है, मेरी भक्ति है। ऐसा नहीं चलता। हम गद्दी संभालते हो तो गद्दी की सेवा हमारी सेवा। गद्दी नौकर साहब करेगा, गद्दी समझ कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। गद्दी की गद्दी ही भगवान है, ये व्यासपीठ परमात्म स्वरूप है। इसकी सेवा पंचायती नहीं, इसकी सेवा हमारी सेवा है। माताओं का रसोई गृह नौकर से थोड़ी बनता है। आपको पता है कहां दाग लगा है? अपने हाथ से उसको देखो, रसोई गृह पूजा गृह बराबर। जिसकी रसोई गृह सेवक के भरोसे है भगवान मालिक है साहब, हो गया। जिसकी पुस्तकों को और रखे पढ़े हम, कैसे होगा? हमको पता है हम कहां से लगाएंगे, कहां से निकालेंगे। हमारी झोली हमारी माला, हमको हमारे भगवान हमारे हवाले नहीं। यही बाबा कह रहे, जो सेवा में है उसी की श्रद्धा है। श्रद्धा बनाई नहीं जाती है, श्रद्धा बनती है। मां का प्रश्न अटपटा नहीं है, प्रश्न एकदम सटीक है, लेकिन मां ने क्षमा याचना की, बाबा पिछले जन्म में मैंने भगवान की लीला देखा, मारे भय के आपसे कह नहीं सकी, उसका फल हमने भली भांति पा लिया, त
तब कर अब विमोह मुहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पिछला वाला मोह अब की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यदि हम सत्कर्मी हैं तो हमारे अगले जन्म में सत्कर्म टास्क ट्रांसफर होंगे, और यदि हम अपकर्मी हैं, कुमार्ग गामी हैं, तो हमारा कुमार्ग गमन अगले जन्म ट्रांसफर होगा। हमको तय करना होगा हम हैं क्या बला। हम सत्यवादी हैं, हम सदाचारी हैं, हम साधक हैं, तो हमारा अगला जन्म साधनामय होगा। हम जुआरी हैं तो हमारा अगला जन्म वैसा ही होगा। यही न संशय समाप्त करेगी कथा। कथा क्यों सुनी जाए? इसलिए सदाचरण है क्या? क्यों? राम जी पुरुष नहीं है, राम जी उत्तम पुरुष हैं। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषों में मैं ही राम हूं। क्यों? राम पुरुषों में उत्तम पुरुष हैं। कैसे? मर्यादित उत्तम पुरुष। परमात्मा श्री राम ने कभी अमर्यादा नहीं, ऐ कोई अर्थ नहीं, अमर्यादा रखी नहीं प्रभु, कभी देखा भी नहीं। जगत जननी पारंबाबा भगवती सीता महारानी पुष्प वाटिका में जब दर्शन देने आई सरकार को, तो सरकार ने अपने बगल में खड़े छोटे भैया से कहा, लाला मेरे मन में कुछ हलचल हो रही है, मेरे शुभ अंग फड़क रहे हैं, क्या कारण है? भगवान ब्रह्मा जाने क्यों, आज तक कभी ऐसा मेरे साथ भया नहीं। मैं रघुवंशी हूं, हमारी वंश में कोई भी बालक दूसरे पर नारी पर दृष्टि डालता ही नहीं है। अर्थ क्या हुआ? लगता कोई शाश्वत संबंध है, इसलिए मेरी दृष्टि उधर जा रही है। ये मर्यादा है, अटपटा नहीं। अब यहां जो विषयी है उसके लिए तो भगवान ने देख लिया, भगवान ने देखा, सीता मैया ने आकर्षित कर दिया। अरे मूर्ख, सीता मैया क्या आकर्षित करेंगी राम जी को? सीता मैया तो भगवान का रुख देख करके ही व्यवहार करती हैं। ब्रह्मवेत्ता बाबा वाल्मीकि कहते हैं, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानी, जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा रुख पाई कृपा रुख पाई कृपा। रुख पाकर जो व्यवहार करता हो वो आकर्षण क्या करेगा? हम हमारे गुरु जी का क्या आकर्षण कर लेंगे गाकर सुनाकर? मां प्रभु का क्या आकर्षण कर लेगी? नहीं, जब शाश्वत संबंध होता है जिस किसी जीव के साथ, आप देखो बार 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 आंख जाएगी, देखने का मन करता है। क्यों? मन को जहां सुख प्राप्त होता है वहां टिक जाता है। आपने देखा होगा, या सिनेमा देखो या सीरियल्स देखो, जहां आपका मन सुख पाएगा नेत्रों के माध्यम से, रुको 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 इसको ना बदलो रुको, आपका मन सुख नहीं पाया बदलो, कहते हैं। और जहां सुख मिला, अब आज हम आपको कथा सुना रहे हैं, आपके कानों को सुख मिलेगा तो आप कल आएंगे, नहीं मिलेगा कल आप नहीं आएंगे। हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि आपको सुख मिले, हम तो इसलिए सुना रहे हैं कि हमको सुख मिल रहा है, हमारे बच्चों को मिल रहा है। परंतु आपको यदि सुख नहीं मिलेगा कान को, तो आप कदापि नहीं आएंगे। क्यों? मन वहीं बार बार जाता है जहां इसको सुख प्राप्त होता है। मन भोजन में सुख ढूंढता है, मन भजन में सुख ढूंढता है, मन स्पर्श में सुख ढूंढता है,
मन जहां जाता है वहां केवल सुख ढूंढता है। कथा क्यों सुनते हैं हम? क्योंकि इसमें मन को सुख मिलता है। मन को सुख न मिले कौन कथा सुनेगा? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।